सोने का हिरण। सोने के हिरण के रूप में वन में घूमता है। रावण का लक्ष्य सीता जी का हरण करना था। माई हिरण बनकर रावण की मदद कर रहा था। मारीच हिरण के रूप में इतना बना था। सीता जी का मन उस हिरण में आ गया और सीता जी कहती, मुझे यह हिरण चाहिए। राम को कुटी से निकलते देखकर मायावी हिरण फुलाते भरने लगा। राम को बहुत थकाया, झाड़ियों में लुकता चित्ता भागता वह राम को कुटी से बहुत दूर ले गया। राम जब भी हटने का प्रयास करते वह भगाकर और दूर चला जाता। हिरण चालाक था। दूर कभी नहीं जाता था कि पंगुत से बाहर लगे। राम के सारे प्रयास विफल हुए। वे हिरण को पकड़ नहीं पाए। उन्होंने उसे जीवित पकड़ने का विचार त्याग दिया। धनुष उठाया, निशाना साधा और एक बाण उस पर छोड़ दिया। बाण लगते ही हिरण गिर पड़ा। धरती पर गिरते ही मारीच अपने अस्तित्व में आ गया। मारीच के पकड़ में न आने पर उस बाण मारा, जिससे वह मर गया। मारीच उसे अधिक देर तक सहन नहीं कर पाया। वह छटपटाता रहा। जल्दी ही उसके प्राण पखेरु उठ गए। मायावी मारीच की पूरी चाल उनके सामने खुल गई। हिरण जानबूझकर भागता रहा। रावण ने नई योजना बनाई और साधु के रूप में सीता को लंका में ले जाने के लिए सफल हो गए। धन्यवाद।